घूम रहे हैं, टीकाकरण का तुरंत फायदा नहीं दिखाई पड़ा इसलिए घूम रहे हैं, या जो और कोई कारण हो, जैसे भी घूम रहे हैं, उनको हम ये मान लेते हैं कि इनमें उतनी समझ नहीं है। अब हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है और उसके लिए जैसा बिजेंद्र जी ने बताया, हम एक उदाहरण भी पेश करें। पहले हम लोगों ने सभी ने लगवाया, हो सकता है अभी जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है या जो भी है, हो सकता है सभी ने ना लगवाया हो। अभी कुछ नए लोग होंगे जो 18 से 44 वाले में आ रहे होंगे, कुछ पुराने भी होंगे जो 44 पार कर गए होंगे। तो जो नए लोग हैं 18 से 44 वाले हैं और हैं जिनके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ घर में होंगे, और उसके अलावा भी आपके बिल्कुल पड़ोस वाले ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे। वोट तो आपको दिया बहुत काफ़ी जनता ने, लेकिन अब वो जितने लोगों ने वोट दिया उनको सभी को आप टीका लगवा दो, तो ये भी हो सकता है साहब हमारी बात नहीं मानते। हमने लेकिन बताया आपको, जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली बात है, हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी है, स्वस्थ रखने की हमारे समाज की जिम्मेदारी मिली है, तो हमें एन केन प्रकारण को समझा के लगवाना, लेकिन उसके लिए हमें भी अपने आगे बढ़ के स्वयं आना पड़ेगा। पहले आप हैं, आपका परिवार है, आपके जो और नज़दीकी लोग हैं, तो उनको आप पहले आपके यहाँ जब टीकाकरण होता है तो आप लगवाएं, ताकि दूसरे भी लोग जो हैं वो भी अपना फिर देख के वो लगाएं। दूसरा ये है, जैसे एक बार आपके यहाँ टीका लगेगा, पहले दिन सबको नहीं लग जाएगा, हम 8 दिन बाद 15 दिन बाद दूसरा कैंप रखेंगे वहाँ पे, ताकि जिन लोगों ने एक बार लगवा लिया है तो 10-15 दिन 20 दिन उनको देखेंगे भी आदमी कि यार चलो ये फलाने ने लगवाया था, इसने लगवाया था, इसको तो कुछ नहीं हुआ, बड़ा स्वस्थ ऐसे ही घूम रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि टीके से ऐसा कुछ होता नहीं, वो लोग बताएंगे भी। भाई हम लोग तो सरकारी आदमी कभी कभार कहते हैं नहीं यार इनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा टीके का, साहब तो सब ये हैं इसको लगवाना इसलिए कहते रहते हैं। तो आप लोग तो गांव के हो, आप लोग अर्ध सरकारी हो, मान ली उस ढंग से उनके बीच में रहते हो, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, हम चले जाएंगे वहाँ कह आएंगे तो उतना प्रभाव उसका नहीं है जितना ज़्यादा आपकी बात का असर होगा। आपसे रात दिन साथ में रहते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, पड़ोस के हैं, बराबर के लोग आपकी बात मानते हैं, आपको वोट दिया है, चुना है, तो आपकी ये जिम्मेदारी भले ही उनको अभी ये कड़वी दवा लग रही हो, लेकिन हमें स्वस्थ रखना है उनको, समाज को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रहेगा ना। जैसे बता दिया लॉकडाउन लगा है, इकौना के ब्लॉक परिसर में सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन कर उपजिलाधिकारी इकौना ने दिया दिशा निर्देश। इकौना के ब्लॉक परिसर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन कर उपजिलाधिकारी इकौना की अध्यक्षता में लोगों को दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर यूनिसेफ ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण कराने में सहयोग करने की अपील की गई। इसके साथ साथ उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बढ़ चढ़ कर टीकाकरण कराने में सहयोग की अपील की गई। इस मौके पर ADO पंचायत मुरलीधर, ग्राम प्रधान लालजी दुबे, समीर मिश्रा, दद्दू शुक्ला, विद्यासागर, बच्छराज यादव, अमेरिका यादव आदि लोग मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को संबोधित किया और लोगों से अपील की कि वो अपने गाँव समेत आसपास में कोविड टीकाकरण का शत प्रतिशत अनुपालन कराएं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकौना ब्लॉक परिसर की ये तस्वीरें। अब हमें आगे आने वाले उसका तो अभी पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हम लोगों ने, सब लोगों ने टीका लगवा लिया, ठीक है। इकौना तहसील सभागार में एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का 3 पालियों में किया जा रहा संचालन। इकौना तहसील सभागार की तस्वीरें, जहाँ पर एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का 3 पालियों में संचालन किया जा रहा है, जहां पर कोविड महामारी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग फोन कर ले सकते हैं सलाह व सहायता। इकौना तहसील का मामला, इटहना निवासी बुजुर्ग ने इकौना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के इटहना नरपतपुर निवासी सकीर पुत्र स्वर्गीय मजीद ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि वो ग्राम समाज की जमीन में पिछले 15 वर्षों से फूस का घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था, जीवन यापन मजदूरी करता था, जिससे उसका जीविकोपार्जन हो रहा था। विपक्षी गण अलाउद्दीन पुत्र बच्छराज, सलाहुद्दीन पुत्र दोस्त मोहम्मद, उस्मान पुत्र मुसीबत निवासी उपरोक्त ने ग्राम प्रधान के बहकावे में आकर बुजुर्ग का मड़हा छप्पर उजाड़ फेंक दिया तथा
विरोध करने पर मारपीट कर उसे भगा दिया गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने उसके ससुर को गिरफ्तार कर भेजा न्यायालय। थाना क्षेत्र गौना इलाके के चिंकूपुरवा मदारा निवासी एक महिला ने मारपीट की शिकायत करते हुए अपने ससुर पर आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए राम नरेश पुत्र राम शरण निवासी चिंकूपुरवा दाखिला मदारा को गिरफ्तार कर 151 की कार्यवाही करते हुए न्यायालय भेजा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के चिंकूपुरवा मदारा गांव का मामला, जहां के निवासी उसकी बहू ने अपने ससुर पर ही मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। इकौना के बौद्ध परिपथ पर लगातार ओवरलोड वाहनों का आवागमन जारी। इकौना इलाके के नेशनल हाईवे 730 के बौद्ध परिपथ की तस्वीरें जहां पर लगातार ओवरलोड वाहनों का आवागमन जारी है। आपको बता दें, लगातार अभियान चलाया जा रहा है, परंतु ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। गोपालपुर में हुई मारपीट में पति पत्नी हुए घायल। थाना क्षेत्र कोना इलाके के गोपालपुर में इमली तोड़ने के विवाद को लेकर मारपीट की गई, जिसमें पति पत्नी घायल हुए। दोनों को इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार करने में जुटे हुए हैं। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के गोपालपुर गांव का यह पूरा मामला, जहां पर इमली तोड़ने के विवाद को लेकर मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें पति पत्नी घायल हुए। दोनों को इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टर उनका उपचार करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कस्बे में दुकानदार जमकर कर रहे बिक्री। लॉकडाउन का उल्लंघन करने में इकौना के दुकानदारों को महारत हासिल है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर कि किस प्रकार दुकान के अंदर ग्राहकों को किया जाता है, उसके बाद दुकान के बाहर बैठा शख्स शटर को ही बंद कर देता है। ऐसे में संक्रमण घटने के बजाय बढ़ सकता है। तस्वीरें देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। इकौना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां पर दुकान के अंदर ग्राहकों को बंद कर बाहर से शटर बंद कर दिया जाता है और खरीदारी होने के बाद उन्हें वापस निकाला जाता है। नियमों को न मानने वाले दुकानदार को एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना क्षेत्र तिकोना बाईपास का मामला, जहां पर पान की गुमटी लगातार खुली मिल रही थी। इस पर उप जिलाधिकारी ने एक बार जमकर डांट भी लगाई थी, उसके बावजूद दोबारा खुले मिलने पर एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और धारा 151 के तहत मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के बाईपास का मामला। इकौना सीएससी में कोविड टीकाकरण लगातार जारी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना सामुदायिक केंद्र की ये तस्वीरें, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोविड टीकाकरण में जुटी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आए हुए लोगों को कोविड 19 का टीका लगा रहे हैं, साथ ही अगले खुराक की जानकारी दी जा रही है। कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे हैं जिन्हें कोविड की दूसरी खुराक का टीका दिया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना का मामला, जहाँ पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम टीकाकरण में जुटी हुई है।